वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस कैसे हैं आप सभी लोग मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूँ प्लेटफॉर्म बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे आई होप की आप मैक्सिमम सेशंस को मेरे देख चुके होंगे और बिल्कुल आपके जो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी हो रहे होंगे और साथ ही साथ एक बूस्टअप एक कॉन्फिडेंस आपका जनरेट हो रहा होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर देखिए कंप्यूटर सब्जेक्ट आसान है लेकिन ट्रिकी है अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया आपने किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझा और अपने नोट्स अगर बनाते हुए आप चल रहे हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए और आप ना कर पाए ऐसा मेरा विश्वास है और बिल्कुल अगर आपने मैक्सिमम सेशंस देखे होंगे तो ये कॉन्फिडेंस आप पर भी आपको भी फील हो रहा होगा राइट तो एक बार आप सभी का स्वागत है गाइस समय हो चुके हैं शाम के सात बजे का और यहां पर मैक्सिम कैंडिडेट हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो चुके हैं विक्रांत रजत आरके सुरेंदर ऋतु सिंह हिम, हिमाचल कल्चर अश्मित अमित लोचन सचिन पाल अर्चना अमित जैसवाल देव अश्मित मोनिका अनिल कुमार नंदनी सोमकर स्वागत है गाइस आप सभी का तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का सेशन है मेलवियर के ऊपर और टाइप्स ऑफ मेलवियर के ऊपर जैसे कि मुझे उम्मीद है कि मेलवियर और वायरस के ऊपर हमने एक क्वेश्चन आंसर राउंड का सेशन रखा था जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आपके साथ में डिस्कस किए थे आज हम एक एक एस्पेक्ट के बारे में यहां पर बात करेंगे मेलवियर होता क्या है कितने टाइप्स के होते हैं मेलवियर वायरस क्या होता है ट्रोजन हॉर्स क्या होता है स्पाईवेयर क्या होता है पर ऐसे कई सारे जैसे रैनसम और इनमें क्या अंतर है ऐसे कई सारे टर्म्स जो हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं स्निफिंग क्या होता है स्पूफिंग क्या होता है फिशिंग क्या होता है क्या अंतर होता है इन सभी में इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके आज जानेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डू लेकिन अगर आप मेरे सेशन लगातार देख रहे हैं या फिर अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है अरोड़ा एजुकेटर इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियोज अगर पसंद आया करें तो एक बार आप लाइक भी कर दिया करिए और अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दिया करिए क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को जरूर एक बार देखता हूं और कोशिश करता हूं कि आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूं एज वेल एज आपकी डिमांड पर टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है अरोड़ा एजुकेटर चैनल के नाम से जहां पर रेगुलर अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं तो कोई भी सेशन शुरू होने से पहले उसका लिंक या फिर कोई भी अपडेट हो लाइव सेशन के रिगार्डिंग या कोई भी अपडेट ये आपको अरोड़ा एजुकेटर टेलीग्राम चैनल पर भी दिया जाता है तो यहां पर आप परिवार से हमारे जुड़ सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर फैमिली से आप कनेक्ट हो सकते हैं वहीं साथ ही साथ जैसे कि आपकी डिमांड होती है कि सर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस की हमें लिस्ट दे दीजिए जिससे कि हम उन वीडियोस को लगातार देखते रहें और हमसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो इसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो लिस्ट है ये कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी जाती है वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी जाती है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको ये किसी ना किसी मीडियम से हम प्रोवाइड भी करते हैं तो आप प्ले लिस्ट के मदद से भी इसको आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी ये आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी लेकिन कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर की अच्छी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेटिंग लेकिन अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो वहां पर मेरे साथ में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है आप डन लेकर एक, एक बार जरूर करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको वो वीडियो कैसी लगी क्या आपका सुझाव है या अगर किसी भी वीडियो में आपका कोई भी कंफ्यूजन है चाहे कितना भी छोटा कंफ्यूजन क्यों ना हो लेकिन उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करिए चलिए गाइस शुरू करते हैं यहां पर मेलवियर के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को लेकर वेरी गुड तो चलिए देखते हैं मेलवियर होता क्या है देखिए नाम से ही क्लियर है मेलवियर। हम लोग कंप्यूटर में जब भी पढ़ते हैं तो टर्म्स कुछ ऐसे ही देखने को मिलते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर यानी वेयर वेयर टर्म्स हमको देखने को मिलता है ये वेयर होता क्या है हार्डवेयर मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं वियर का मतलब एक तरीके से वियर होता है जो हार्ड डिवाइसेस को पहना हुआ है वो क्या है हार्डवेयर है जिनको हम टच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन जिसपे हम काम कर सकते हैं जो एक प्रोग्राम है जो एक एप्लीकेशन है वो एक सॉफ्टवेयर है या फिर अगर हम फर्मवेयर की बात करें तो इसका मतलब फर्मवेयर क्या होता है बायोस में रखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर कहते हैं या आप कह सकते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो रीड ओनली मेमोरी में लिखे गए होते हैं और जिनको यूजर द्वारा चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है ऐसे इंस्ट्रक्शन को फर्मवेयर कहते हैं अब क्वेश्चन उठता है ये मेलवेयर क्या है तो इसका आंसर ये रहा कि मेलवेयर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है लेकिन अब सॉफ्टवेयर बनाता कौन है इंसान तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर बना रहा है क्या वो क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है या फिर वो डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर बना रहा है जैसे कि आप लोगों ने क्रिश मूवी में भी देखा होगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसकी मदद से हम लोग फ्यूचर को जान सकते थे कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या है हमारा कल क्या है तो क्या ये पॉजिटिव है या डिस्ट्रक्टिव है कुछ लोग कहेंगे सर ये बहुत पॉजिटिव है क्योंकि हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूचर क्या है कुछ लोग कहेंगे कि सर ये डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो ये बहुत ही भयानक काम कर सकता है बिल्कुल सही बात है सोचने का नजरिया है और बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि कौन इसको यूज कर रहा है तो सॉफ्टवेयर अगर पॉजिटिव हैंड में जाएगा तो ये जरूर क्रांति लाएगा जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं या फिर जिसको हम ब्रेन स्टोरमिंग बोलते हैं या फिर इसको नॉलेज बेस्ड सिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं या ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज को हम लोग आजकल सुनते हैं और समझते हैं लेकिन अगर यही सॉफ्टवेयर किसी नेगेटिव हाथों में चला गया तो ये बन जाएगा आपका मेलवेयर जिसको हम लोग कहते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी बुरे काम को करने के लिए बनाया जा रहा है दैट इज वॉट वी कॉल्ड मेलवेयर या फिर मेलिशियस सॉफ्टवेयर तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है कि मेलवेयर की फुल फॉर्म बताइए तो ये रही फॉर्म अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि मेलवेयर जो है वो कहां कहां पर डैमेज पहुंचा सकता है देखिए मेलवेयर की नियत ठीक नहीं है तो इसका मतलब कि कंप्यूटर में होने वाली सभी तरीके की एक्टिविटीज को ट्रैक करना डिस्ट्रॉय करना या फिर हमारी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को देना ये सब काम करता है आपका प्यारा मेलवेयर और इसको बनाने वाला कौन होगा तो बिल्कुल आंसर है दैट पर्सन इज कॉल्ड दैट पर्सन इज कॉल्ड हैकर है ना या फिर हम लोग इसको कई बार क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल भी कहते हैं या साइबर हैकर भी हम लोग कहते हैं तो ये क्या क्या कर सकता है कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है सर्वर को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्लाइंट यानी हमारे कंप्यूटर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है और नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचा सकता है इंटरनेट को भी नुकसान पहुंचा सकता है इतना ही नहीं ये हमारे कंप्यूटर में रखी हुई फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है चाहे उससे उसका खुद का फायदा हो या ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान होना चाहिए ये इसकी पहली प्रायोरिटी होती है और देखिए खास तौर पे अगर हम देखें तो कई ऐसे हमारे नेबर्स भी होते हैं है ना जैसे अगर हमारे घर में लाइट ना आए है ना तो बहुत दुख होता है लेकिन कई बार अगर आसपास के घर में भी लाइट ना आए तो काफी बार ये संतुष्टि भी होती है चलो कोई बात नहीं हमारे घर में लाइट नहीं है लेकिन आस के घर में भी लाइट नहीं है लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आसपास के घर में अगर लाइट आ रही हो और आपके घर का फ्यूज उड़ चुका हो किसी भी कारण की वजह से है ना तो ज्यादा दुख होता है देखो हर किसी के यहां लाइट आ रही है लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही तो इंसान भी दो तरीके के होते हैं है ना जो दूसरे के गम में खुश होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही गम में खुश होते हैं है ना या अपने गम में दुखी होते हैं तो कई तरीके के आपको इंसान मिलेंगे तो वैसा ही है कुछ मेलवियर जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है अब बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ मेलवेयर की जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेलवेयर की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर इसका मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अब वो कितने तरीके के हो सकते हैं वो वॉर्म हो सकता है, है यानी राइट वंस रीड मैनी वो ट्रोजन भाई साहब हो सकते हैं ट्रोजन हॉर्स वो फिशिंग एक्टिविटी हो सकती है वो रैंसम भी हो सकता है वो स्पाईवियर भी हो सकता है या फिर एडवेयर नाम से भी वो आपके सामने आ सकता है रोग सॉफ्टवेयर भी इसको कहते हैं है ना वो रोग नहीं है जो दिल का रोग होता है है ना या फिर जो फिजिकल रोग होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट ये है आपका रोग सॉफ्टवेयर इसे क्या कहते हैं और क्या कैसे काम करता है है ना इसपे बारे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वाइपर ये भी एक तरीके का आपका मेलवेयर है तो और स्कीयर है ना तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ योर मेलवेयर जिनके नाम आपने कई बार सुने होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी नाम है जो आपने पहली बार सुने होंगे और वो भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को हम लोग दो दिन डिस्कस करेंगे आज है डे वन तो इनमें से कुछ पॉइंट्स पर हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स पर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे यानी कल राइट तो चलिए देखते हैं फटाफट वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसे कि आपने देखा कि जितने भी आपके डिस्ट्रॉय वाले डिस्ट्रक्टिव वाले सॉफ्टवेयर हैं, वो सब आपके कैसे हैं मेलवेयर है, है. यानी वायरस भी क्या है टाइप ऑफ योर मेलवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर वायरस की अगर बात करें तो दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर फाउंडर पहला जबरदस्त क्वेश्चन कि वायरस एक्चुअली में दुनिया में किसने सबसे पहले बनाया तो आंसर है फ्रेड कोहेन और ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है हु इज नोन एज फाउंडर या हु इज नोन एज फादर ऑफ वायरस तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेड कोहेन याद रखिएगा अगला पॉइंट वाइटल की सॉरी वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है तो आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जहां पर कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरस में एस क्या है तो आंसर है एस का मतलब होता है सीज और वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वाइटल मतलब क्रूशियल आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन सीज का मतलब किसी गलत हाथों में पहुंच गई है अंडर दी रॉन्ग क्लचेस दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वायरस क्लियर है रेप्लीकेट इट देखिए कई बार ये क्वेश्चन आता है कि उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो रेप्लीकेट करता है रेप्लीकेट का मतलब होता है कि अपनी कई सारी कॉपीज बनाता है आपने देखा होगा कंप्यूटर में कई बार ऐसा होता है और खासतौर पेन ड्राइव के सेंस में हम लोग ने देखा है कि जब पेन ड्राइव करप्ट होती है तो वो कई सारी फाइल्स अपनी क्रिएट कर लेती है यानी एक फाइल होने के बाद भी ड्राइव में हमें कई सारी फाइल्स दिखती हैं तो वायरस क्या करता है इसका एक नेचर है कि ये अपने आप को रेप्लीकेट कर लेता है अपनी कई सारी कॉपीज को क्रिएट कर लेता है लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वॉर्म यानी right राइट ही मैनीट होते हैं। लेकिन तो में में जो पूछा पूछा जाता है उसका सही answer क्या होगा? अगर exam में question जाए कि नेम द सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो अपनी कई सारी कॉपी क्रिएट करता है रेप्लीकेट करता है तो आंसर वायरस होगा या वॉर्म होगा इसमें कई बार कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं और यह ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है तो जरा ध्यान से सुनिए अगर ऑप्शन में वायरस गिवन है तो आंसर वायरस हो जाएगा और अगर ऑप्शन में वार्म गिवन है तो आंसर वॉर्म हो जाएगा अब आप कहेंगे कि सर अगर ऑप्शन में वार्म और वायरस दोनों गिवन है तब क्या करेंगे और यही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है जहां पर ऑप्शन में वायरस और वार्म दोनों होते हैं तो इस केस में आप पहली प्रायोरिटी देंगे वॉर्म को राइट वंस रीड मैनी को तो वॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो खुदबा खुद, खुद रेप्लीकेट करता है जबकि वायरस की खासियत क्या है कि वो तब रेप्लीकेट करता है जब आप क्लिप क्लिक करते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर में बात समझ में आ रही है यानी वॉर्म खुद अपने आप अपने आप को रेप्लीकेट कर लेता है और वायरस ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट पर रेप्लीकेट होता है तो यहां पर सेल्फ रेप्लीकेट अगर दिया रहता है कई बार सेल्फ रेप्लीकेट मतलब अपने आप तो आंसर हो जाता है वॉर्म और अगर सिर्फ इतना दिया हो कि रेप्लीकेट इट से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो आंसर हो जाएगा वायरस है ना फिर भी जो मैंने अभी आपको की पॉइंट बताए उनको जरूर याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा है आंसर है क्रीपर वायरस कब आया 1971 में आया और कौन लेकर आया तो आंसर है बॉब थॉमस द्वारा इसको बनाया गया तो पहला वायरस क्रीपर था लेकिन वायरस के फाउंडर अगर पूछे जाएंगे तो आंसर होगा फ्रेड और पहले वायरस अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा क्रीपर 1971 बॉब थॉमस याद रखिएगा अब अगर एग्जाम में कई बार पूछते हैं फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा है तो इसका आंसर होता है ब्रेन या इसको सी ब्रेन भी बोल दिया जाता है बात एक ही है तो पहला बूट सेक्टर वायरस अब आप कहेंगे कि सर बूट सेक्टर वायरस क्या होता है वो वायरस जो सिस्टम के बूटिंग टाइम को इंटरप्ट करे यानी सिस्टम को बूट यानी स्टार्ट होने से रोके इस तरीके का वायरस आपका बूट सेक्टर वायरस कहलाता है और सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है ब्रेन है कब आया 1986 में आया और यही वो वायरस है जो इंडिया का सबसे पहला वायरस है जो पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में लाया गया यानी पाकिस्तान ने एक तरीके से डिजिटल वॉर के तरीके से इंडिया में स्प्रेड करने की कोशिश की थी पहला वायरस दैट इज कॉल्ड ब्रेन है ना तो याद रखिएगा बूट सेक्टर वायरस पूछे तब भी ब्रेन होगा फर्स्ट इंडियन वायरस पूछे तब भी आंसर ब्रेन होगा या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए वायरस का नाम बताइए पहले वायरस का नाम बताइए जो इंडिया में डिप्लॉय किया गया तो आंसर क्या है ब्रेन है और ये किसने बनाया तो आंसर है मिस्टर अमजद फरूक अलवी जी के द्वारा ये बनाया गया किसके द्वारा अमजद फरूक अलवी तो इतनी बातों के बारे में आप ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूट ऑन ह्यूमन एक्शन देखिए अभी मैंने आपको बताया कि वायरस की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि वायरस तभी ट्रिगर करता है जब हमारे थ्रू कोई एक्शन होता है जैसे या तो हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे या हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे या पेन ड्राइव को हम लगाएंगे तो यानी हमारे द्वारा किए गए एक्शन का रिजल्ट और आउटपुट ही होता है वायरस जबकि अगर हम बात करें वॉर्म के बारे में तो वॉर्म हमारे द्वारा एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता वो खुद बा खुद सिस्टम में आता है और खुद बा खुद एग्जीक्यूट हो जाता है बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के आगे देख लेते हैं वायरस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें वायरस स्टे इन रैम एंड डिप्लॉय इन रैम वो वायरस जो रैम में रहता है और जो रैम के अंदर ही डिप्लॉय होता है यानी हमेशा, हमेशा के लिए वो रीड वो रैंडम एक्सेस मेमोरी को छोड़ना नहीं चाहता ऐसा वायरस है आपका रेसिडेंट वायरस जिसने अपना घर बना लिया है रैंडम रैंडम सॉरी रीड ओनली में में एक्सेस मेमोरी और वो चाहता है कि मैं रैम में ही बैठा रहूं अब देखिए रैम का साइज हमेशा कम होता है और जो करंट फाइल होती हैं वो भी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही होती हैं तो यहां पर जो वायरस होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा और ऐसा वायरस है आपका रेसिडेंट वायरस देखिए रोम में तो वायरस आ ही नहीं सकता है ना क्योंकि रोम क्या है सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है तो रोम में तो वायरस आने की कोई चांसेस ही नहीं है जबकि रैम में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ये रीड और राइट दोनों ही फंक्शनैलिटी के साथ में अवेलेबल है क्लियर है अगला देखिएगा वायरस डिप्लॉय इन रैम बट नॉट स्टे इन रैम यानी एक ऐसा वायरस जो रैम में रहता है डिप्लॉय किया जाता है लेकिन डिप्लॉय करने के बाद वो रैम को छोड़कर चला जाता है यानी हमेशा के लिए वो रैम मेमोरी में, में नहीं रहता ऐसा वायरस है आपका नॉन रेसिडेंट वायरस याद रखिएगा जो रैम में रहता है और डिप्लॉय भी होता है वो आपका रेसिडेंट है जो ऐसा वायरस जो रैम में डिप्लॉय होता है लेकिन रहता नहीं है ऐसा है आपका नॉन रेसिडेंट वायरस बात क्लियर हो गई आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस ऐसा वायरस जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एमएस 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 पावर पॉइंट में एंटर करता है वो है आपका मैक्रो वायरस है ना तो अगर कहीं पर भी दिया रहे कि एमएस वर्ल्ड में एंटर करने वाला एमएस एक्सएल में एंटर होने वाला या पावर पॉइंट में एंटर होने वाला वायरस कौन सा है तो याद रखिएगा आंसर होगा मैक्रो वायरस अगला वो वायरस जो गिरगिट की तरह होता है और अपना रंग बदलता रहता है अपना टाइप बदलता रहता है अपना सिग्नेचर बदल लेता है है ना जैसे गिरगिट आपने देखा होगा जिस पेड़ पर बैठता है जिस शाखा पर बैठता है जिस टहनी पर बैठता है उसी कलर का वो अपना रंग कर लेता है है ना आजकल तो इंसान भी ऐसे ही होते हैं जो गिरगिट की तरीके से रंग बदलते हैं तो इस तरीके का जो वायरस है दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक वायरस पॉलीमोर्फिक का मतलब क्या होता है मेकिंग मोर देन वन फॉर्म तो जो एक से ज्यादा फॉर्म बनाए जो एक से ज्यादा अपनी कॉपीज क्रिएट करे और जो समय समय पर अपने नेचर को बदल ले दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमोर्फिक वायरस क्लियर है वेरी गुड ममता जी वेरी गुड इवनिंग हाँ बिल्कुल मोनिका वेरी गुड अनीता कुमारी बिल्कुल लॉजिक गेट्स के ऊपर भी सेशन लाएंगे है ना बस सबके ऊपर सेशन आएगा परेशान मत हुई हैव सम पेशेंस आगे देखिए अब बात करते हैं वॉर्म के बारे में वायरस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया और वॉर्म और वायरस में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया तो अब फटाफट एक बार वॉर्म के बारे में देख लेते हैं वॉर्म क्या है वॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी राइट वंस रीड मैनी फाउंडर कौन है तो वॉर्म बनाने वाले जो पर्सन है उनका नाम है रॉबर्ट मॉरिस क्या नाम है रॉबर्ट मॉरिस राइट वॉर्म यानी अब देखिए दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पर कैंडिडेट को अक्सर कंफ्यूजन होता है जरा ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि वॉर्म के फाउंडर कौन है तो आंसर होगा रॉबर्ट मॉरिस लेकिन अगर यह पूछा जाए कि वॉर्म प्रोग्राम किसने लिखा राइट अगर टर्म का यूज होगा तो आंसर होगा रेट ऑमलि है ना वैसे रॉबर्ट मॉरिस और रेट ऑमलि इन दोनों को ही फाउंडर और को फाउंडर की कैटेगरी में रखा जाता है लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं फाउंडर पूछे तो रॉबर्ट मॉरिस होगा और किसने लिखा वॉर्म तो आंसर होगा रेट ऑमलिंसन ठीक है ठीक है अनिल कुमार मैं समझ गया मैंने आपका कमेंट देख लिया है विल डेफिनेटली विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स ठीक है वेरी गुड आगे देखो फर्स्ट वॉर्म पहला वॉर्म कौन सा है तो ये नाम से ही इन्हीं के नाम से बनाया गया रॉबर्ट मॉरिस के नाम से ही बनाया गया दैट इज कॉल्ड मॉरिस वॉर्म नेम द फर्स्ट राइट वंस रीड मैनी है ना इनका पहला कौन सा है तो आंसर है मॉरिस वॉर्म अगला देखो वार्म का नेचर कैसा होता है तो आंसर है, ये भी नेचर का है। मैंने आपको डिफरेंस अभी बताया है कि वायरस भीटिंग है और वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वहां ह्यूमन के द्वारा है लेकिन वॉर्म खुद बा खुद रेप्लीकेट करता है ना तो रेप्लीकेट इट सेटिंग दैट इज कॉल्ड वॉर्म और अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिले तो आपको आंसर क्या लगाना है वार्म लगाना है अगर वायरस भी मिल रहा है और वार्म भी मिल रहा है अभी हाल ही में एक पेपर हुआ है बैंक का जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था, वायरस भी दिया गया था और वार्म भी दिया गया था तो सही आंसर इस केस में था आपका वार्म अगला क्वेश्चन स्टैंड एलोन ये वर्ड भी काफी फेमस है स्टैंड अलोन का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए आत्मनिर्भर तो ऐसा एक वायरस या ऐसा एक मेलवेयर जो कि आत्मनिर्भर है जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पर एग्जीक्यूट करता है दैट इज कॉल्ड मेलिशियस प्रोग्राम या वॉर रन इंडिपेंडेंटली अभी मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन पर डिपेंडेंट नहीं है तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा मेलवेयर का नाम बताइए जो इंडिपेंडेंट तरीके से रन करता है खुद बा खुद रन करता है तो आंसर अगेन क्या होगा वॉर्म होगा अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि वायरस ज्यादा हार्मफुल है या वार्म ज्यादा हार्मफुल है तो देखो वायरस के लिए तो एंटी वायरस आपने सुना होगा लेकिन वार्म के लिए कभी आपने एंटी जैसे टर्म्स का यूज होते नहीं देखा होगा क्योंकि वॉर्म आपकी मर्जी से आता ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता और जिसकी वजह से इसको रोक पाना भी कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है इसलिए वॉर्म ज्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू दी वायरस याद रखिएगा इस पार्ट को वेरी गुड रजत कौशल हेलो। आगे देखिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रोजन हॉर्स के बारे में अभी तक हम लोग ने देखा वायरस क्या होता है और फिर हम लोग ने देखा वॉर्म क्या होता है अब बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में कि ट्रोजन हॉर्स बेसिकली क्या होता है और कैसे काम करता है देखिए ट्रॉजन हॉर्स पे बेस्ड कई सारी मूवीज भी आई हैं हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी शुरुआत में कई ऐसे सीन्स दिखाए गए थे जो ट्रॉजन हॉर्स से रिलेटेड है ये ट्रॉजन हॉर्स है क्या ये एक तरीके का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है यानी मेलवेयर है ना ये आप सब जानते हैं कि ये सब मेलवेयर के ही पार्ट हैं। और इसका मेन काम क्या होता है डिस्ट्रॉय करना चेंज करना फाइल को और ट्रांसमिट करना छुपकर वार करना ट्रोजन है पहली बात याद रखिएगा और दूसरी बात इसमें यह याद रखिएगा कि यह अपने आप को काफी भोला भाला दिखाता है काफी शरीफ दिखाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है ना लेकिन इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स और ये लाइन काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि उस मैलवियर का नाम बताइए जो काफी यूजफुल लगता है लेकिन होता नहीं है तो आंसर है ट्रोजन हॉर्स देखते हैं एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ अ ये मेलवियर का एक प्रकार है इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट अभी मैंने आपको बताया कि ये शो करता है कि ये बहुत ईमानदार है बहुत शरीफ है कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर ये आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल भी ले सकता है समय आने पर अक्सर ऐसा नहीं होता लेकिन कई बार पूरे कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेता है सेंडिंग रिसीविंग लॉन्चिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड रीबूटिंग द कंप्यूटर ये कुछ मुख्य लक्षण होते हैं ट्रोजन हॉर्स के यानी दीज आर दी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स इट कैन सेंड ये सेंड कर सकता है ये रिसीव कर सकता है ये लॉन्च कर सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर को ये किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता है और ये रिबूट भी कर सकता है पूरे कंप्यूटर को एक तरीके से रूट किट की तरीके से ये काम करता है रूटकिट क्या होती है यानी जहां पर एडमिन राइट हैकर के हाथ में चला जाए दिस इज कॉल्ड रूटकिट्स और ट्रोजन हॉर्स भी एक तरीके से समय आने पर रूटकिट के तरीके से काम करता है ना तो याद रखिएगा सेंडिंग रिसीविंग लॉन्चिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एज वेल एज रीबूटिंग दी कंप्यूटर ज दी मेन बेसिक फीचर ऑफ ट्रोजेनोवर्स वेरी गुड आगे देखिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर फिशिंग के बारे में फिशिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करती है और कैसे इनपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं चलिए डिस्कस करते हैं जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि फिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादातर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में करते हैं या किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाकर अटैक किया जाता है और काफी फेमस भी है किसी भी वेबसाइट का क्लोन बना दिया जाता है बस उसके यू को बदल दिया जाता है और फिर क्या होता है कि आपके सिस्टम को या आपकी उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लॉग इन को हैक कर लिया जाता है बैंक में होने वाले सभी तरीके के क्राइम फिशिंग क्राइम होते हैं डेबिट कार्ड का क्राइम कह लीजिए क्रेडिट कार्ड का क्राइम कह लीजिए प्लास्टिक मनी से रिलेटेड जितने भी क्राइम हैं, ये भी आपके फिशिंग क्राइम के अंतर्गत ही आते हैं यानी अगर एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन फाइनेंशियल टर्म्स में पूछा जा रहा है जहां पर बैंक की बात की जा रही है जहां पर फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा डेटा की धोखाधड़ी की बात की जा रही है वेबसाइट के क्लोनिंग की बात की जा रही है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बात की जा रही है तो समझ जाइएगा कि आंसर क्या है फिशिंग है यह टर्म कहां से आया जैसे कि मछली पकड़ने वाले जाल है ना इसको हम लोग फिशिंग कहते हैं जहां पे स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है उसकी एफ आई एस एच आई एन जी वो फिशिंग होता है जो मछली पकड़ने वाले जाल का यूज किया जाता है और मछलियों को पकड़ा जाता है बस फर्क यहाँ पर यह है कि मछलियां हो गए हम यूजर और ये जो डाल ये जो एक तरीके से एक जाल फेंका जा रहा है हम लोग को पकड़ने के लिए दिस इज वॉट वी कॉल्ड फिशिंग अटैक चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड क्लोनिंग अ वेबसाइट यानी वेबसाइट का क्लोन बनाना फिशिंग है पॉइंट नंबर वन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैक यूजर नेम और पासवर्ड यानी यूजर नेम और पासवर्ड का मतलब क्या है लॉग इन को हैक करना फिशिंग कहलाता है नेक्स्ट बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूजर नेम और पासवर्ड बोले या लॉग इन क्रिडेंशियल बोले बात एक ही है फेक वेब पेज एंड वेबसाइट इस केस में एक फेक वेब पेज बना लिया जाता है या वेबसाइट बना दी जाती है जिसको यूजर के सिस्टम पर डिप्लॉय किया जाता है जब आपने facebook.com करके ओपन किया एक्चुअल वाली फेसबुक ना ओपन होकर फेक वाली फेसबुक ओपन हो जाती है और जैसे ही आपने अपना यूजर एम और पासवर्ड उस फेक वेबसाइट में एंटर किया आपकी क्रेडेंशियल्स उस हैकर के पास में पहुंच गए और फिर उसने आपके उस पार्टिकुलर फेसबुक पेज को या किसी भी पेज को हैक कर लिया। Not start with HTTPS. पकड़ेंगे कैसे? तो देखिए हैल में कुछ अलग होता है एस से इसका यू शुरू नहीं होता या एस से यहां पर इसका यूज नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं कि एस का यूज एस सिक्योरिटी के द्वारा किया जाता है तो यहां पर इस एस का यूज नहीं होता तो आप पहचान जाइएगा कि यह कोई फिशिंग अटैक है अगर शुरुआत एस टी से नहीं हो रही है तो आगे बढ़ते हैं अगला है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रैनसमेयर दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ मेलवेयर ए मेलिशियस सॉफ्टवेयर बड़ा ही खतरनाक तरीके का है और हाल ही में इसने कई सारी कंट्रीज को नुकसान भी पहुंचाया है तो तहलका मचा दिया है रैनसम ने शायद आप लोग अवेयर होंगे कि ये बेसिकली रैनसम होता क्या है बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है बैट रैबिट नाम का यह भी काफी फेमस रहा है वोना 2017 दो में नाम सुना होगा आपने ये भी रैंसम है वोना क्राई के नाम से जिसने कई सारी देशों पर हमला किया है जैसे कि आप देख सकते हैं बैड रैबिट के, के केस में क्या लिखा हुआ है फाइल्स को ताला लगा देता है, इंक्रिप्ट कर देता है. इस तरीके के अटैक को रैनसम कहते हैं जब भी आप किसी भी फाइल पर डबल क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम में रैनसम का अटैक होगा तो एक शानदार मैसेज आपकी स्क्रीन पर लिखकर आएगा कि इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस दिस फाइल और अ फोल्डर प्लीज पे रूपीज टू लैक डॉलर इन दिस बिटकॉइन वॉलेट बात समझ में आ रही है कि अगर आप इस फाइल या फोल्डर को खोलना चाहते हैं तो इतने करोड़ डॉलर या इतने लाख डॉलर इस बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर करें यह है आपका यानी रैंसम का मतलब होता है फिर एक तरीके की डिजिटल फिरोती है रैनसम वेयर है ना लेकिन इतना जरूर है कि एक बार पैसे देने के बाद में ये फाइल्स ओपन हो जाती हैं और यहां पर ट्रांजैक्शन करने के लिए, कि लिए किसी अकाउंट नंबर का यूज ना करके बिटकॉइन का यूज करते हैं और आप जानते होंगे कि बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी करेंसी है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका कोई भी मालिक नहीं है जो सेंट्रलाइज्ड नहीं है जो डी फॉर्म में काम करती है जहां पर पैसे देने वाले का भी पता नहीं चलता और जो पैसे ले रहा है उसका भी पता नहीं चलता और यहां पर आरबीआई जैसी कोई गवर्निंग बॉडी भी नहीं है इसको देखने के लिए तो यहां पर ट्रांजेक्शन करना हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आसान हो जाता है तो ये है बेसिकली बिटकॉइन की मदद से यहां पर ट्रांजेक्शन किए जाते हैं और फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक कर दिया जाता है लेकिन हमारे और आपके कंप्यूटर की फाइल्स को इसके द्वारा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा है ना क्योंकि अगर सपोज करिए कि आपके कंप्यूटर की फाइल्स को लॉक कर दिया जाए तो आपके कंप्यूटर की फाइल्स में होगा क्या क्या सीवी होगी मूवी होगी गाने होंगे और वो भी इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया हुआ होगा या कुछ स्टडी रिलेटेड मटेरियल होंगे कुछ पीडीएफ होंगी जो फ्री में आपने कहीं ना कहीं से ली होंगी है ना बंदोबस्त करके जुगाड़ बनाकर तो अब आप उसके लिए पैसे क्यों देंगे आप कहेंगे सारी फाइल्स को बंद कर दो तब भी हम नहीं देने वाले है ना तो ये आपके सिस्टम पर बिल्कुल हमला नहीं करेगा ये अटैक करेगा गवर्नमेंट के सिस्टम्स पे कॉन्फिडेंशियल डेटा पर जिनकी कीमत लाखों में होती है करोड़ों में होती है अरबों में होती है और जिसकी कीमत लगा पाना शायद हमारे और आपके बस की बात नहीं है तो ऐसे सिस्टम्स में ये हमला करता है दिस इज कॉल्ड बात कर लेते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर गाइस डिजाइन टू टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम और डेटा यानी जहां पर आपका कंप्यूटर होते हुए भी आप उसमें कोई भी काम ना कर पाए इस तरीके का अटैक है रैनसम डिमांड फॉर रैनसम फिरती की यहां पर बात की जाती है Ransom का मतलब फिरोती तो फिरोती की डिमांड की जाए यानी कुछ क्वाइंस की बात की जाए करेंसी फॉरवर्ड करने की बात की जाए कॉल्ड फाइल्स को कर दिया जाता है यानी ताला लगा दिया जाता है रैनसम वेयर के केस में अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट रैनसम वेयर टी छूट गया है फर्स्ट में है ना क्लैरिकल मिस्टेक है तो फर्स्ट रैनसम वेयर कौन सा है तो याद रखिएगा एड्स या पीसी साइबॉर्ग के नाम से इसको जाना जाता है एड्स जिसका आगे चल के नाम कर दिया गया पीसी साइबोर्ग फर्स्ट रैनसमेयर और यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रैनसमवेर कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं रैनसमवेयर के किस किस नाम से यह हमें देखने को मिलता है और कब कौन सा आया तो लोकी ये काफी फेमस हुआ जो 2016 में देखने को मिला कॉल्ड लोकी खाने वाली लोकी नहीं है है ना दैट इज नेम ऑफ अर वोना हजार 2017 में बहुत ही फेमस हुआ और 150 कंट्रीज पर इसने हमला किया दैट इज कॉल्ड वोना क्राय बैड रैबिट ये भी 2017 में ही आया रियूक 2018 में आया तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके रैनसम वेयर की है ना जहां पर एग्जाम में एक बार पूछा भी किया था कि सबसे अभी तक का हार्मफुल सबसे अभी तक का डेंजरस रैनसम वेयर कौन सा था तो आंसर है वोना क्राइम दो में आया और 150 कंट्रीज पर इसने हमला किया वेरी गुड अब बात कर लेते हैं स्पूफिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है स्पूफिंग का हिंदी में मतलब होता है चकमा दे देना अब देखिए चकमा देने में तो कई लोग फेमस बहुत ज्यादा उस्ताद होते हैं फेमस होते हैं है ना जैसे कॉलेज या स्कूल के दिनों में कई सगे दोस्त भी आपको आप चकमा देते हैं जैसे वो खुद तो पढ़ाई कर लेते हैं और जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपको चकमा दे देते हैं है ना और कहते हैं कि हमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है जब रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स आपसे बेहतर होते हैं है ना तो दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ स्पूफर्स तो चलिए जानते हैं स्पूफर यानी चकमा कैसे देते हैं ये हैकर्स तो पहला तरीका है आईपी एड्रेस स्पूफिंग आईपी एड्रेस को बदलना जैसे कि आप जानते हैं कि वीपीएन के मदद से हम लोग अपने आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं या आईपी एड्रेस के रूट को बदल सकते हैं तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्पूफिंग यानी कहीं भी आपको आईपी एड्रेस मिल जाए तो आंसर क्या होगा स्पूफिंग टेक्निक होगी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ए या आर रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यह भी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से ही रिलेट करता है तो ये भी आपके स्पूफिंग का ही पार्ट है डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस की अगर बात कहीं पर की जाए तो ये भी आपका किसका पार्ट होगा स्पूफिंग का ही पार्ट होगा। ईमेल्स e फ्रॉम कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास मेल आते हैं जहां पर सेंडर एनोनिमस होता है सेंडर अपनी आइडेंटिटी को या तो हाइड कर लेता है या तो बदल के किसी दूसरे के नाम से आपको मेल करता है इस तरीके की एक्टिविटी भी आपकी ईमेल स्पूफिंग में काउंट की जाती है बेसिकली अगर हम स्पूफिंग की बात करें तो ये तीन तरीके से कर पाना पॉसिबल है एक तो एड्रेस की की मदद से, दूसरा, की मदद से से दूसरा सिस्टम और तीसरा की मदद से और कई बार वेबसाइट की मदद से भी स्पूफिंग हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आईपी एड्रेस से पूछा जाएगा या डी एन एस से पूछा जाएगा या ए आर पी यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से पूछा जाएगा या फॉर फॉल्स ईमेल सेंटर से पूछा जाएगा इन सभी केस में आंसर क्या होगा स्पूफिंग होगा अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले पड़ाव की अगले पॉइंट की स्निफिंग स्निफिंग का टर्म अगर हम जाने तो ये सबसे बेहतर तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्निफर डॉग की मदद से है ना ऐसे जो पुलिस यूज करती है जो कहीं ना कहीं हमारे साइबर एक्सपर्ट्स यूज करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं अगर कहीं पर भी क्राइम होता है तो उन डॉग्स को घुमा दिया जाता है और वो अपने आप पता लगा लेते हैं कि क्राइम यहीं पर हुआ है तो स्निफिंग का मतलब क्या होता है सूंघना अब जानते हैं कि ये किस तरीके से क्राइम को सूंघते हैं या स्निफ करते हैं पहला कैप्चरिंग ऑल दी पैकेट्स कहीं भी अगर पैकेट्स को हम लोग स्निफर्स बोलते हैं तो कैप्चरिंग ऑल दी पैकेट्स की बात की जाए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर जो डेटा चलता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है और हैकर पूरी कोशिश करता है कि वो ये कह पाए कि ये डेटा हमें दे दो ठाकुर है ना तो अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है उन पैकेट्स को लेने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट पर ट्रेवल होने वाले डेटा को लेने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब कि वो स्निफर एक्ट को फॉलो कर रहा है टैपिंग फोन वायर कई बार आपने देखा होगा कि कई केसेस में आपकी फोन रिकॉर्डिंग भी चेक की जाती है या टैप की जाती है है ना कई बार क्या होता है कि हम लोग ने अब तो बहुत कम हो गया है फोन टैपिंग लेकिन कुछ समय पहले तक कि ही काफी किया जाता था जहां पर आपकी फोन कॉल्स को ट्रैप किया जाता था या टैप किया जाता था या ट्रैक किया जाता था कि आप किससे बात कर रहे हैं तो इस तरीके की एक्टिविटी को भी हम लोग किसमें रखते हैं स्निफिंग में रखते हैं और इसको इससे हम कैसे बच सकते हैं इन तरीके की एक्टिविटीज से तो आंसर है वीपीएन टेक्नोलॉजी की मदद से हम इनसे बच सकते हैं अगर हम वीपीएन का यूज करेंगे तो हमारे पैकेट्स को कोई नहीं यूज कर पाएगा वीपीएन का यूज करेंगे तो हमारे फोन कॉल्स को भी कोई टैप नहीं कर पाएगा कोई चुरा नहीं पाएगा क्लियर है समझ में आ गया स्पूफिंग और स्निफिंग में क्या अंतर है स्पूफिंग का मतलब अगर कहीं पर भी बात आईपी एड्रेस की हो तो वो बेसिकली आपका स्पूफिंग होता है और स्निफिंग का मतलब अगर बात पैकेट्स की हो या टैपिंग की हो तो आंसर क्या होगा स्निफिंग होगा वेरी गुड अब बात कर लेते हैं स्पाईवियर के बारे में स्पाइवियर क्या होता है देखो स्पाई नाम तो बहुत ही कॉमन है ना आप लोग ने सुना होगा पेन में कैमरा लगा रहता है और कोई भी रिकॉर्डिंग उसके थ्रू हो जाती है तो वो जो पेन है जिसमें कैमरा लगा रहता है छोटा सा और कहीं भी हम किसी की रिकॉर्डिंग बना सकते हैं दैट इज वॉट वी कोल्ड स्पाइपेन्स है ना उसको स्पाइपेन भी कहा जाता है तो स्पाई का मतलब क्या होता है एक तरीके से मॉनिटर करना जो आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करे मॉनिटर करे दैट इज कॉल्ड स्पाइवियर ये लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पाईवियर अपने में एक बड़ा टर्म है और ये कई सारे छोटे छोटे टर्म्स को अपने अंदर मिला के रखता है जैसे कीलॉगर आपने देखा होगा कीलॉगर भी एक तरीके का स्पाइवियर है जो एटीएम मशीन में लगा होता है जहां पर आप कोई भी पिन या पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो आपके पिन को ट्रैक कर लेता है है ना उसको भी हम लोग स्पाइवेयर के नाम से ही जानते हैं चलो जानते हैं यहां पर स्पाइवेयर सो इट इज अ टाइप ऑफ अ मेलवेयर ये एक तरीके का मेलवियर है बिल्कुल सही है मॉनिटरिंग ऑनलाइन बिहेवियर ये हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करता है इट इज अ टाइप ऑफ ये एक एडवेयर का टाइप भी हो सकता है जो पॉपअप के फॉर्म में कई बार छोटे छोटे एड हमें दिखते हैं वो भी एक तरीके का स्पाइवेयर है क्योंकि उन पर क्लिक करते ही हमारे कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन उस एड बनाने वाले के पास पहुंच जाती है जिसने गलत इंटेंशन से वो एड चलाया होता है ट्रैकिंग कुकीज ये कुकीज को भी ट्रैक कर लेता है कम्स फ्रॉम फ्रीवेयर और शेयरवेयर ज्यादातर आपको फ्रीवेयर के साथ मिलता है यानी ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये मिलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं तो बात आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि हमें बहुत ही संभल के उन सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए जो फ्रीवेयर होते हैं या शेयरवेयर होते हैं इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होगा फ्रीवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो पूरे तरीके से फ्री होते हैं और शेयरवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो शुरुआती दौर में फ्री होते हैं लेकिन आगे चल के कुछ पेमेंट कुछ रकम मांगते हैं है ना कुछ खोखे मांगते हैं तो ऐसे होते हैं आपके शेयरवेयर क्लियर है एग्जाम्पल ये काफी इंपॉर्टेंट है जरा याद रखिएगा की लॉगर रूट किट और वेब बीकॉन्स ये तीन बेसिकली काउंट किए जाते हैं स्पाईवेयर के अंदर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में स्पाईवेयर कौन सा नहीं है तो आप याद रखिएगा ये तीन आपके स्पाईवेयर होते ही होते हैं कीलॉगर इज अवियर रूटकिट इज स्पाइवेयर और वेब बेकॉन भी क्या है spyware है अब आप कहेंगे कि सर कीलॉगर कैसे काम करता है रूटकिट क्या है वेब बीकॉन क्या है इनके बारे में भी बता दीजिए तो बिल्कुल चलिए इन पर डिस्कस करते हैं एक बार वेरी गुड क्लियर है यहां तक यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार यस सर यस सर लिख के थम्स अप देकर बता दीजिए सर क्लियर है अब देखिए बात करते हैं की लॉगर पर एटीएम टी मशीन में काफी बार की लॉगर का इस्तेमाल किया जाता है आपके द्वारा इनपुट की जाने वाले पिन को रिकॉर्ड करने के लिए जहां पर आप पिन रिकॉर्ड करते हैं पिन एंटर करते हैं और आपका पिन कैप्चर हो जाता है तो असली की के नीचे एक नकली की लगा होता है दैट इज वॉट वी कॉल्ड की लॉगर और ये एक तरीके का क्या है स्पाइवेयर है क्योंकि जैसे ही आपने इसकी मदद से अपनी पिन को एंटर किया आपकी पिन क्या थी ये पहुंच गई उस हैकर के पास जो कहीं ना कहीं आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की पिन को जानने की कोशिश कर रहा है राइट right? कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं की लॉगर पे बेस्ड ऑल्सो कॉल्ड अ की स्ट्रोक लॉगर की लॉगर या की स्ट्रोक लॉगर कहें बात एक ही है टाइप ऑफ अ सर्विलेंस टेक्नोलॉजी सर्विलेंस क्या होता है सर्विलेंस का मतलब जो आप पे नजर रखे दैट इज कॉल्ड सर्विलेंस जैसे सर्विलेंस कैमरे आते हैं ना सीसीटीवी आता है तो ये आपका बेसिकली क्या होता है सर्विलेंस टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है बिल्कुल सही है यूज्ड टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड ईच की स्ट्रोक ये आपके द्वारा किए गए हर एक कीस्ट्रोक का रिकॉर्ड रखने में काम आता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कीलॉगर ठीक है आगे देखो रूट किट क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट right आपके सिस्टम का किसी हैकर के पास पहुंच जाए तो दैट इज वॉट रूट किट तो याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में रूट किट से रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं तो वहां पर बात की जाती है एडमिन राइट की आपके कंप्यूटर के एडमिन राइट पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाएं किसके पास हैकर के पास दैट इज कॉल्ड रूट किट देख लीजिए गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर आपके कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस गेन करना रूट का मतलब होता है सुपर यूज़र। और अगर आपने तो तो यूनिक्स से, से ही लिया गया है जहां पर रूट का मतलब होता है सुपर यूजर और किट का मतलब होता है ग्रांड अटैकर सुपर यूजर एबिलिटी यानी अटैकर को सारी पूरी प्रिवलेज दे देना पूरे कंप्यूटर के राइट्स दे देना दैट इज कॉल्ड रूट किट अब बात करते हैं वेब बेकॉन क्या होता है देखिए वेब बेकॉन और कुकीज में कई बार कंफ्यूजन होता है कि कुकीज किस तरीके से वेब बेकॉन इन दोनों में किस तरीके से अंतर है तो जरा समझिएगा देखिए वेब बेकॉन और कुकीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता कुकीज हमेशा पॉजिटिव काम करती है वेब बेकॉन कई बार निगेटिव काम के लिए भी यूज किया जाता है जैसे एस पॉइंट की वजह से एस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर वेब बेकॉन का हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे मेरी एक वेबसाइट है है ना सपोज करिए और आप उस वेब सपोज़ मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है एक्स वाई जेड डॉट कॉम आप उस वेबसाइट पर आए अब मैं ये कोशिश करूंगा जानने की कि आप मेरी वेबसाइट के किस पेज पर आए कितनी बार आए और आपने किस पेज पर सबसे ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करी तो अगर ये चीज़ें हमें ट्रैक करनी है तो अगेन ये हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं आंसर है वेब बेकॉन की मदद से ये सब ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है तो चलिए बात करते हैं ट्रैक हु विजिटेड दी वेब पेज किसने वेब पेज कौन आया वेब पेज पे किस समय आया कितनी देर के लिए वो इस वेब पेज पे रुका इन सब की बात कहां पर की जाती है वेब बेकॉन्स में इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज प्लेस्ड ऑन अ वेबसाइट ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज होती है जो वेबसाइट पर वेबसाइट ओनर द्वारा या वेबसाइट क्रिएटर द्वारा प्लेस कर दी जाती है और ये ज्यादातर वन इंटू वन पिक्सल की होती है ज्यादा बड़ी नहीं होती बहुत छोटी सी इमेज होती है यूज विथ कुकीज़, इसका इस्तेमाल कई बार कुकीज के साथ में भी हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड वेब बेकॉन वेब बैकॉन को और कई सारे नाम से भी जाना जाता है जैसे इसको वेब बग भी बोलते हैं पिक्सल टैग भी बोलते हैं और क्लियर जी भी बोलते हैं क्योंकि इसको इमेज टैग के साथ में हम लोग यूज करते हैं एस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्सल टैग दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लियर जी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेब बग ठीक है कुमार सनी जी का एक क्वेश्चन आया है सर जी बॉटनेट क्या होता है देखिए बॉटनेट का मतलब होता है रोबोट बॉटनेट क्या है रोबोट है कई बार आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में कई सारे काम ऐसे होते हैं जो रोबोट करता है और इसीलिए आपको कई बार एक ऐसा कोड भी दिया जाता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप रोबोट तो नहीं कई बार आपसे कई सारी कार्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है कि इनमें से कार कौन कौन सी है आइडेंटिफाई करिए कई बार आपको रोड में जो सिग्नल लगे होते हैं जो साइन बोर्ड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है है ना तो ये सब हमारे कहलाते हैं बॉटनेट से बचने का तरीका और बॉट मतलब होता है रोबोट और बॉटनेट में यूज होने वाले जो सिस्टम होते हैं उनको जोम्बीज कहते हैं ऐसे सिस्टम जो बॉटनेट के तरीके से यूज हो रहे हैं है ना कॉल्ड ज़ोम्बीज़ हाँ बिल्कुल रोबोट नेटवर्क भी हम लोग बोलते हैं उसको राइट आगे देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी अटैक अब आप कहेंगे कि सर ये डीडीओस अटैक क्या होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एक ऐसा अटैक जो नेटवर्क में नेटवर्क की ट्रैफिक को या नेटवर्क को बिजी करने के लिए यूज किया जाता है DDoS attack, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कई बार आपने देखा होगा कि आईआरसी की वेबसाइट कई बार क्या होती है डाउन हो जाती है कई बार आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले YouTube भी क्या हो गया डाउन हो गया अब Google का YouTube भी डाउन हो सकता है रेडिफ भी डाउन हो सकता है जीमेल भी डाउन हो सकता है तो ये आम बात तो नहीं है ये किसी हैकर के द्वारा ही कुछ किया जा रहा होगा बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम किसी भी सर्वर पर अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये काम किसी ना किसी रोबोट के जरिए किया जाता है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के जरिए या किसी ना किसी एल्गोरिथम के जरिए अगर किया जाए जहां पर हम अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेजें सर्वर के पास दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड एज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जहां सर्वर कहता है कि मुझे माफ कर दो है ना मैं आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट एक समय पर आ रही है जिनका रिस्पॉन्स देना मेरे बस की बात नहीं तो इस तरीके के डिनाइल को बोलते हैं हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक चलिए जानते हैं इसके बारे में ये रही इसकी फुल फॉर्म हैकर हैक्स इनटू टू सिस्टम वंस द नेटवर्क इज डाउन ये तब किया जाता है दो पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे कि नेटवर्क डाउन हो जाए या फिर इसको तब ट्रिगर किया जाता है जब नेटवर्क में सबसे कम ट्रैफिक हो और कम ट्रैफिक को ज्यादा ट्रैफिक में ये लोग बदल देते हैं विद हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ अटैक आर क्रिएटेड ऑन यूजर्स कंप्यूटर देखिए बॉटनेट का यहां पर यूज किया जाता है अभी पूछा भी था आपने बॉटनेट है ना तो इसी तरीके के नेटवर्क को हाईजैक करने के लिए या नेटवर्क को बिजी करने के लिए बॉटनेट का यूज किया जाता है फ्लड दी बैंड जहां पर बैंडविथ को पूरे तरीके से फिल कर दिया जाता है और सर्वर को परेशान कर दिया जाता है है ना सर्वर को समझ में नहीं आता कि वो रिक्वेस्ट किसको दे और रिस्पॉन्स किसको दे और इसी तरीके के सर्विस को इसी तरीके के हाईजैक को इसी तरीके के क्राइम को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस की कैटेगरी में रखा जाता है क्लियर है वेरी गुड अब देखो एक और अगला टर्म आता है दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग डिवाइस स्कीमिंग ये भी एक तरीके का क्या है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ क्राइम जो ज्यादातर कहां पर किया जाता है एटीएम मशीन में किया जाता है जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि यह बिल्कुल वही जगह है जहां पर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं अब देखो क्रिमिनल क्या करते हैं यहां पर हूबहू ऐसे ही दिखने वाली डिवाइस जिसको हम स्कीमिंग डिवाइस कहते हैं इसको एटीएम मशीन में लगा दिया जाता है और जब आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यानी यहां पर आप क्या करते हैं अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं या क्रेडिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो उसके पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसको ये स्कीमिंग डिवाइस रीड कर लेती है तो सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच गई पिन की इंफॉर्मेशन की लॉगर के द्वारा पहुंच गई अब वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है अब आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपका ना होकर हैकर का हो गया आप विद दी हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स समझ गए आप लोग क्या होता है राइट right? चलिए तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू तो इसीलिए क्या करना चाहिए सुरक्षा देखिए सुरक्षा और सतर्कता है ना ये हमारे हाथ में है किस हमें बहुत ही सतर्क रहना होता है एटीएम मशीन को यूज करते समय या ऑनलाइन किसी भी चीज को यूज करते समय जितनी भी वेबसाइट का यूज हम लोग ऑनलाइन पर करते हैं हमें बहुत ही अलर्ट रहना होता है एटीएम मशीन में जाने से पहले एक बार चेक जरूर किया करिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज करने से पहले एक बार डिवाइस को जरा सा खींच कर देखा करिए पुल कर कर देखा करिए पुल करने से अगर ये बाहर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये डुप्लीकेट डिवाइस लगी हुई है जहां पर आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को खतरा है लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे बताने के बाद आप असली वाली डिवाइस को भी बाहर निकाल लें है ना तो मेक इट एट योर ओन रिस्क अपनी ही रिस्क पर करिएगा है ना ऐसा ना हो कि वहां पकड़े जाए और फिर कहें कि नहीं सचिन अरोड़ा सर ने देखिए इस वीडियो में बताया था हमने तो सर की गाइडलाइंस को ही फॉलो किया है ना तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मात्र एक सहयोग कहा जाएगा और उसमें सचिन अरोड़ा सर का कोई भी हाथ नहीं होगा है ना तो याद रखिएगा अगर आपने असली वाली डिवाइस को ही बाहर निकाल लिया तो वो जो गार्ड बैठा होता है वो आपको छोड़ेगा नहीं है ना तो बहुत ही आराम से करिएगा ऐसा काम चलिए आगे बढ़ते हैं अब स्कीमिंग डिवाइस से रिलेटेड जो अटैक होते हैं वो कैसे होते हैं चलिए एक बार जान लेते हैं स्टील बैंक डिटेल्स इस थ्रू अटैकिंग स्कीमिंग डिवाइसेस इन एटीएम मशीन तो एटीएम मशीन में इस डिवाइसेस के थ्रू डिटेल्स कैप्चर कर ली जाती हैं रीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ द कार्ड व्हेन इट इज इंसर्टेड इन टू मशीन और जैसे ही आप अपने कार्ड को इंसर्ट करेंगे मैग्नेटिक स्ट्रिप में द्वारा जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हैकर के पास पहुंच जाएगी क्लियर है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें रिलेटेड स्निफिंग से रिलेटेड स्पूफिंग से रिलेटेड फिशिंग से रिलेटेड और किस तरीके से इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये आज के सेशन में बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर हो गए होंगे तो कैसा लगा आपको आज का सेशन जरूर बताइएगा पार्ट टू भी इसका आएगा जो कि हम कल डिस्कस करेंगे अगेन लाइव सेशन में तो कल भी आप लोग कनेक्ट होइएगा और पार्ट टू को जरूर देखिएगा दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस अगर आप नए थे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच बाय एंड टेक केयर